से ज्यादा आदमी है। दिलीप घोष जी ने 3.5 साल एमएलए के नाते एक भी काम किया? बोलिए जोर से बोलिए, किया? दिलीप घोष जी ने 3.5 साल कोई काम नहीं किया। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना 2016 में 82,500 वोट से जीत कर नंदीग्राम से। मेरा पास सीपीएम का एमएलए, कांग्रेस का एमएलए, बीजेपी का मादरीहाट का एमएलए टिक्का जी, हर दिन जब असेंबली का सेशन होता है एरिया के काम के लिए क्वेश्चन करता है, बोलता है ये काम करना चाहिए। लेकिन 3.5 साल में असेंबली में दिलीप जी को एक भी शब्द खड़गपुर के लिए बोलने के लिए मैं नहीं देखा, एक भी बात खड़गपुर के लिए नहीं बोला। इंटरनेशनल बात बोला, नेशनल बात बोला, लेकिन जन भूमि ने खड़गपुर से इस झाड़ग्राम गोपी बल्लभपुर का आदमी को एमएलए बना के भेजा, इसका नाम उन्होंने असेंबली का जितना भी दस्तावेज है, जितना भी डिटेल्स कार्य रेवेन्यू है, उसमें एक शब्द खड़गपुर के लिए उन्होंने नहीं किया। ये तो 3.5 साल उनका एमएलए शिप का पोस्टमार्टम के लिए चुनाव है। आप लोग काम होए तो वोट दीजिए उसको, उसको उम्मीदवार को, काम नहीं हुए तो आप दो फूल निशान पर बटन दबा के ममता जी का उम्मीदवार को असेंबली भेजिए और 6 महीना एमपी हो गया। दिल्ली में तो तृणमूल का सरकार नहीं है, किसका सरकार है? बीजेपी का सरकार है। रेल किसका पास है? बीजेपी का पास है। खड़गपुर आईआईटी किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। नेशनल हाईवे किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। एम्स हॉस्पिटल किसका है? दिल्ली का। 6 महीने के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होना मुश्किल है, लेकिन बजट तो हो गया। बजट में खड़गपुर के लिए एक शब्द है? नहीं है। मेरा क्षेत्र हल्दिया के लिए टर्मिनल का बात है, वो अगर फैक्ट्री का बात है, हल्दिया में उसको वोट नहीं मिला। हल्दिया का बात जिक्र किया 2 बार बजट में, लेकिन जिस खड़गपुर से उसका सांसद चुनाव जीत के दिल्ली गया उसका कोई शब्द नहीं है, कोई काम का बात नहीं है। 6 महीना दिल्ली से कोई डेवलपमेंट विकास का बात ऐलान नहीं किया ये लोग। इसलिए आप लोग तृणमूल कांग्रेस को वोट दीजिए। हमारा ऊपर ममता जी है और पौर प्रधान विधायक बनेगा आपका आशीर्वाद से, और बीच में गारंटर मिदनापुर का सौरभ जी सॉयल मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी है, काम के गारंटर है। अब 4 साल दिया दिलीप जी को, 1 साल दीजिए तृणमूल को। हम लोग हिसाब मिला के ये जो हमारा आज इश्तहार है इसको पूरा करके हम लोग 2021 का इलेक्शन में आपको पास आएगा। काम नहीं हुआ तो फिर हम लोग को रिजेक्ट करके आप लोग दूसरा आदमी, दूसरा पार्टी को आदमी को जिताइए, कोई दिक्कत हमारा नहीं है। लेकिन इस बार हमारा पार्टी पूरा यूनाइटेड है। रविशंकर पांडे, देवाशीष चौधरी, जहर पाल, शेख मोहम्मद हनीफ जी, हमारा प्रदीप सरकार जी, सब एक साथ हम लोग चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा। आप लोग देखा अंजना बहन के साथ हमारा बी मुरलीधर राव का साथ कितना कॉन्फ्रंटेशन था। आज गुलदस्ता देकर अंजना बहन ने मुरलीधर को स्वागत कर लिया, एक साथ जोड़ा फूल का झंडा पकड़ लिया। तृणमूल यूनाइटेड, बीजेपी डिवाइडेड। हम लोग का साथ प्रेमचंद झा का लड़ाई नहीं होगा, किसका होगा? असली बीजेपी प्रदीप पटनायक का साथ होगा। प्रदीप पटनायक असली बीजेपी है। ये प्रेमचंद झा जी ने चाचा जी का खिलाफ जनता दल राजद और सीपीएम का उम्मीदवार था, आपको याद है? ये सीपीएम का था। ओरिजिनल बीजेपी कौन है? प्रदीप पटनायक है। प्रदीप पटनायक भी खड़ा हो गया, शिवसेना का भी उम्मीदवार है, इसका आपस में लड़ाई चल रहा है, कौन सेकंड होगा कौन थर्ड।
তৃণমূল এক নম্বর হওয়া, তৃণমূল জিতেগা, আপ সব আশীর্বাদ দেকর খগন ভাইয়া কো অ্যাসেম্বলি ভেজ দিজিয়ে, খড়গপুর কা বিকাশ প্রগতি তরক্কি কা জিম্মেদারি মে লেতা হুম, মমতা জি কা সাথ বাত করকে সব কাম মে হাম লোগ কর দেগা, আপ লোগ আচ্ছা রহিয়ে, সহি সালামত রহিয়ে, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। যদি এখনো আমাদের স্টিং নিউজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটি ক্লিক করুন, পেয়ে যান সব খবরের দ্রুত ভিডিও আপডেট।